जिस तरह आए दिन अलग अलग तरह की मॉडिफाइड कार्स मार्केट में आती रहती है ना, ठीक उसी तरह रेलगाड़ियों के इतिहास में भी कई तरह की अजीबो गरीब रेलगाड़ियां बन करके सामने आई हैं। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी रेलगाड़ियों के बारे में जिनके बारे में जानकर के आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 5, 497 ब्लैक बीटल। ये बात है सन 1960 की, जब न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे के द्वारा M47 या फिर ब्लैक बीटल नाम की रेलगाड़ी को अस्तित्व में लाया गया था। इस रेलगाड़ी की खास बात बता दूं कि इस रेलगाड़ी के इंजन के ऊपर जेट इंजन्स लगाए गए थे। ये जेट इंजन इसे किसी भी हवाई जहाज के माफिक बूस्ट दिया करते थे और इन्हीं की वजह से ये रेलगाड़ी तकरीबन 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती थी। दोस्तों जरा सोचो, 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, इस वजह से ही इस रेलगाड़ी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया था। पर बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस आने के कारण और प्रॉफिट्स ना आने के कारण इसे बंद कर दिया गया। नंबर 4, बीनी रेल प्लेन। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अगर हम किसी रेलगाड़ी और किसी हवाई जहाज को मिला देंगे तो क्या बन करके आएगा? दरअसल ये है रेल प्लेन। ये रेलगाड़ी बड़ी अजीबो गरीब है। सन 1930 में इसे कोयले से चलने वाले स्टीम इंजन को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। दरअसल दोस्तों इस गाड़ी में सामने एक प्रोपेलर लगा हुआ होता है जो कि गाड़ी को पावर देता है, साथ ही इसके चक्के ओवरहेड ट्रैक्स पर लगाए जाते हैं। इस वजह से ये रेलगाड़ी एकदम अजीबो गरीब बन जाती है। और आपको बता दूं कि ये रेलगाड़ी तकरीबन 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चली जा सकती थी, पर उस समय लोगों को ये एक फालतू इनोवेशन लगी और इसे किसी भी देश के द्वारा नहीं अपनाया गया। नंबर 3, मिचलिन रेलकार। अच्छा, आपको रेलगाड़ियों के चक्के देख करके ये ख्याल तो आता ही होगा कि क्या हो अगर हम इनमें कार के चक्के लगा दें। तो दोस्तों ये है मिचलिन रेल कार। यूनाइटेड किंगडम में बनाई गई इस रेलगाड़ी का मकसद ही रेलगाड़ियों के मेटल के चक्कों को रिप्लेस करने का था, पर इसे कई समस्याओं से जूझना पड़ा। एक तो रबर के टायर काफी महंगे होते थे, साथ ही रास्ते में कभी भी पंचर हो जाया करते थे, बहुत जल्दी घिस जाया करते थे और कोई फायदा नहीं दिख रहा था, इसलिए इस रेलगाड़ी को कबाड़ में फेंक दिया गया। पर दोस्तों ये काफी कुछ सिखा करके चली गई। नंबर 2, स्नो ट्रेन। अब इस रेलगाड़ी की वीडियो को आपने कभी ना कभी इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। दोस्तों दरअसल ये है स्नो ट्रेन, एक ऐसी रेलगाड़ी जो कि उन देशों में बर्फ हटाने का पर्पस सर्व करती है जहां पर ठंड के समय पटरियों पर बर्फ की चादर जम जाती है। इस रेलगाड़ी में सामने एक प्लाउ लगाया जाता है जिसके एरोडायनामिक्स आसानी से बर्फ को उखाड़ फेंकते हैं। दूर से तो ये रेलगाड़ी बर्फ के तूफान की तरह दिखाई पड़ती है, परंतु काफी अमेजिंग चीज है। दोस्तों अब आ जाओ जल्दी से नंबर 1 पर। नंबर 1 पर है जीन बर्टन एरोट्रेन। दोस्तों ये बात है 1930 के दशक की, जब जीन एरोट्रेन रेलगाड़ियों की दुनिया का हॉवर क्राफ्ट कहलाता था। ये रेलगाड़ी आज भी यूएस के किसी म्यूजियम में एग्जिस्ट करती है। आपको बता दूं कि ये रेलगाड़ी दरअसल जमीन में उड़ती है। जी हाँ, ये गाड़ी जमीन पर बिछाई गई पटरी से अटैच तो होती है परंतु उस पर चलती नहीं है, ये पटरी के ऊपर हॉवर करती है। इस गाड़ी की विशेषता ये है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये गाड़ी इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये तकरीबन 462 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकती है। साथ ही इसे काफी आसानी से बनाया जा सकता था और आज भी इसके जैसा मॉडल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई भी रेलगाड़ियों को प्राइवेट नेटवर्क की तरह इस्तेमाल करेगा ना, तो इससे अच्छा ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। तो दोस्त इसी के साथ ये था वांटेड वीडियोस का एक एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।